दोस्तों आज आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत तालाब में से एक भीमताल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हमने अपनी जर्नी शुरू करी हल्द्वानी से भीमताल की तरफ, क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर आप लोगों में से अगर यहाँ आना चाहे तो हल्द्वानी या फिर काठगोदाम पहुँचेगा। जो दूर के लोग हैं, जो लोकल के लोग हैं, वो भी यहाँ, उनको तो ये सब पता ही होगा। तो हमने अपनी जर्नी शुरू करी हल्द्वानी से। हम ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम काठगोदाम होते हुए भीमताल की तरफ चल दिए हैं हल्द्वानी से। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिला यहाँ से भीमताल की तरफ, जो कि सामने आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ियाँ छुपी हुई हैं बादलों के बीच में, और घनघोर बादल भी छाए हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पर तो अभी धूप आ रही है दोस्तों, और हम जा रहे हैं भीमताल की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत ताल है, जहाँ एक आइलैंड भी है देखने में। आपको हम दिखाएंगे पूरे तरीके से। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ साथ आप भी सैर करिए भीमताल की। देखिए भीमताल को जाने वाला ये रास्ता है, और यहाँ पर एक झरना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, देखिए एक छोटा सा झरना है जो कि बरसात के समय यहाँ पर शुरू होता है, और एक आकर्षक नज़ारा यहाँ पर है। ये भीमताल को जाते वक्त आप इसका भी आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, एक बढ़िया सा व्यू आता है यहाँ पर। और ये फिर भीमताल की तरफ आप जा सकते हैं। देखिए बादल वादल भी लगे हैं, क्या नज़ारा है यहाँ, एक बढ़िया सा। और एक पर ये झरना सा बह रहा है, ये पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर सुंदर सुंदर हरी भरी नज़र आ रही हैं, जिसके बीच से ये रोड आती है। यहाँ पर हल्द्वानी से अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो प्रकृति का पूरा नज़ारा आप देख पाएंगे। देखिए कितना बढ़िया हरियाली छाई हुई है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। उसी के बीच से यह सड़क जाती हुई भीमताल की तरफ, दोनों तरफ हरियाली छाई हुई है। दोस्तों जर्नी हमारी हुई पूरी, हम पहुंच चुके हैं भीमताल। आपको दिखा रहे हैं भीमताल के कुछ सीन, हमारे साथ करिए एंजॉय यहाँ का सारा वातावरण। दोस्तों कुछ फोटोज हमने अगले दिन ली और बहुत ही अच्छे सीन निकाले आप लोगों के लिए। सामने आप देख सकते हैं आइलैंड जो कि भीमताल में है। यह भीमेश्वर मंदिर जो कि यहाँ पर पुल की तरफ है, यहाँ पर आइलैंड ही से हमने लिया था। यह नवरात्रि के टाइम की फोटो है, रात के समय की। ये फोटो हमने शाम के समय में थोड़ा पहाड़ी पे जाके ली, और ये आप देख सकते हैं सामने जो चमकदार दिख रहा है वो हल्द्वानी है। काफ़ी सारी बतख भी यहाँ पर हैं, जो कि आपको और मनमोहक सीन या फिर बहुत बढ़िया यहाँ पर अनुभव करवा सकती हैं इस तालाब के किनारे। दोस्तों भीमताल देखने में बहुत ही खूबसूरत है। हमने आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर शूट करा ताकि आप लोगों को इसकी खूबसूरती दिखा सकें। आइए दोस्तों इस वीडियो का मज़ा लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जब भी आप आएँ तो एक दिन तो ज़रूर बिताएं। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए आइलैंड किस तरीके से यहाँ पर तालाब के बीच पर है। यह हमें दूसरी तरफ जाके दिखता है दोस्तों, जो कि डांट कहलाता है, नुकुचिया ताल वाली रोड से यह मैंने सीन लिया हुआ है आपको। और यहाँ फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, एक फिल्म की शूटिंग मैंने ली है यहाँ पर। Yeah.
तेरी आदत, तेरी आदत हो भाई। कहाँ ध्यान कर रखना, ऊपर से आप स्कूटर वगैरह निकल जाइए प्लीज। ठीक है आगे आप लोग पीछे चले जाओ पैदल। ठीक है पीछे हो जाओ धन्यवाद। यहाँ फिल्म की शूटिंग होते रहती है दोस्तों, काफ़ी सारे डायरेक्टर बाहर से आते हैं और अपनी शूटिंग करके यहाँ से जाते हैं। तो दोस्तों हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया और हम वापस अब हल्द्वानी की तरफ चलते हैं। ये नज़ारा हम आपको भीमताल से हल्द्वानी की तरफ आते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ से कि हल्द्वानी देखिए, यहाँ बारिश का मौसम है, बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल बारिश के आधार है और काफ़ी बारिश यहाँ पर आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर हल्द्वानी देखिए बिल्कुल धूप से खिलखिलाता हुआ, और यहाँ पर ये देखिए हमारा ये एयरपोर्ट जो नया बन रहा है, और इससे अगर थोड़ा आगे देखेंगे तो ये स्टेडियम है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भीमताल से हल्द्वानी की तरफ ये रास्ता है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों देखा ना आपने हमारे उत्तराखंड में कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत से प्लेसेस हैं जहां हम अपना कुछ टाइम अच्छे से बिता सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं प्रकृति को, उसी में से एक है भीमताल। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के भी साथ, ताकि वह भी अलग अलग वीडियो का मज़ा ले सकें। और दोस्तों अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और